आप से मिलवाने जा रहा हूँ, ये बिहार के भावी शिक्षक हैं, आप देख रहे हैं इनको, ये लोग अपने नौकरी के लिए सत्ता संघर्ष कर रहे हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि सरकार से इन लोग का क्या डिमांड है। दिसंबर सीटेट पास हैं, बताइए नीरज जी। सर, हम लोग दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं। शिक्षक बहाली 2019-20 NIOS DLED केस के फैसले के बाद दोबारा प्रारंभ होने को है। ऐसे में हमारी मांग है कि हमें भी दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी मौका देना चाहिए। मौका हम इस आधार पर मांग रहे हैं कि NIOS DLED जो अभ्यर्थियों की जो डिग्री हुई उसमें साफ तौर से लिखा कि जो भी पटिशनर है सभी को यह मौका मिलना चाहिए, और दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी भी उस केस में पटिशनर है। दूसरा मुद्दा यह है कि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया था, उनको जब वो गए नियोजन इकाई में ये समय लेकर के तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। उनको कहा गया कि कोर्ट का फैसले के बाद आपको दोबारा मिलेगा, वो भी गए। और ऐसे में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा आप देख सकते हैं, इनकी उम्र सीमा ख़त्म हो रही है, अगर इस बहाली में इनको मौका नहीं मिला तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। मैं त्रिपुरारी झा सीतामढ़ी से सीटेट पास अभ्यर्थी हूँ। बिहार सरकार दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी को मौका नहीं देने जा रही है, जबकि सीटेट अभ्यर्थी में जो कुछ साथी हैं जिनका उम्र 40 वर्ष 45 वर्ष 50 वर्ष है, यदि इनको इस नियोजन में मौका नहीं मिलता है तो इनकी सेवा अवधि समाप्त हो जाएगी और भविष्य में यह शिक्षक कभी नियोजन नहीं कर पाएंगे। जबकि जब बिहार सरकार जिस समय पाबंदी लगाई थी, हम लोगों ने मिलकर के न्यायालय से गुहार लगाया था, आंदोलन किया था, और उसके बाद में हमें फिर मौका मिला, तो वैसी स्थिति में जुलाई वाले को केवल मौका मिल रहा है, दिसंबर वाले को मौका नहीं मिल रहा है। यह दिसंबर वाले सीटेट अभ्यर्थी के लिए घोर अन्याय है, इनकी हक जा रही है। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि जुलाई वाले शिक्षक नियोजन के साथ दिसंबर वाले सीटेट अभ्यर्थी का भी नियोजन में मौका दिया जाए। ये चंपारण से आए हैं, इनसे भी मैं मिलवा रहा हूं, आपका कहना चाहते हैं? मैं बिहार सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि इस शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल की नीति नहीं है, जिस वजह से बाहरी राज्यों के 15,000 अभ्यर्थियों का मेधा सूची में नाम आना तय है, तो मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप बाहरी राज्यों के 15,000 अभ्यर्थियों को ले रहे हैं, जबकि आपके अपने दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी उससे ज़्यादा और समान योग्यता रखते हुए आपके घर में अवेलेबल है, तो आप उनको नहीं लेना, ये सरासर बिहारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, अन्याय है, और इस अन्याय को मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा, सहन नहीं करूंगा। मैं बिहार सरकार से और रंजीत सर से, शिक्षा मंत्री वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को इस शिक्षक बहाली में शामिल करके बिहारी अस्मिता को बचाने का कार्य करें, और यदि बिहार के शिक्षक बहाली में दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को आप नहीं शामिल करते हैं तो हम लोग इस व्यवस्था में आकर आत्महत्या करने को मजबूर है। विगत 2 जून को पूरे बिहार में अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल करके दिखाया था, और 3 दिनों से बदहाल मौसम के बीच में यदि बिहार के अभ्यर्थी यहां आकर के भूखे प्यासे रोड पे सोने को विवश है तो यह व्यवस्था हम नहीं सहेंगे, और यह आने वाले दिनों में यह व्यवस्था आपको मारेगी। उससे पहले आप दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल कर ले। आपसे हाथ जोड़कर मेरा विनती है कि यह मेरा अधिकार है, कानून संविधान के सम्मत हम कार्य कर रहे हैं, मैं हरेक रूप से नैतिक और कानूनी रूप से योग्य हूं और मुझे रखा जाना चाहिए। इन शिक्षकों को आपने सुना, इन्होंने इन लोगों का स्पष्ट मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू की जाए, और जो डोमिसाइल में 15,000 लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा योग्य और शिक्षित हमारे बिहार में आप देख रहे हैं सीटेट पास अभ्यर्थी मौजूद हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे सहयोगी रूपेश के साथ मैं कौशलेंद्र पटना से।